हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग जुड़ते हैं आज के लाइव सेशन पर। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि हमारे बच्चे लाइव हो रहे हैं, तो चलिए आप सारे बच्चे लाइव हो लीजिए, जिससे हम लोग क्लास को आगे बढ़ा पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना। सी क्लास इसमें लाइव हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। चलिए आप लोग लाइव आ जाइए, और भी बच्चे जो हमारे अभी नहीं जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए एक बार, है ना। वीडियो आपका शेयर हो जाएगा। अर्चना, आप तमाम बच्चे इसमें लाइव हैं। हाँ चलिए, चलिए अब हम लोग लाइव आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए वॉइस की प्रॉब्लम थी, वॉइस नॉट क्लियर, है ना। अब देखिए वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, और मैं यहाँ से बोर्ड सही कर रहा हूँ, और फिर हम लोग क्लास में मूव करेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए और इसे शेयर भी कर लीजिए, है ना। ठीक है, आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, अब वॉइस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, मैंने देख लिया है। चलिए आप सारे बच्चे इसे मैक्सिमम शेयर कर लीजिए। हाँ, अब देखिए आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व है, और हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं ना इस समय। चलो मैं टॉपिक में आज आउटपुट डिवाइस बताने वाला हूँ। तो
तो मुझे लग रहा है हाँ वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, देखो आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चे है ना, बिना समय गवाए बिना देर किए हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। ब्लर दिख रहा है बच्चे, ब्लर देख लो एक बार, दोबारा देखो। ठीक है, चलिए अब देखो हमने आउटपुट बोर्ड पर लिख दिया है ना, आउटपुट डिवाइस, हमने बोर्ड पे आउटपुट डिवाइस लिखा है, पर मुझे नहीं लग रहा कि क्लियर आ रहा होगा ना। आउटपुट डिवाइस थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है कैमरे से, है ना, बहुत ब्लर दिख रहा है। अच्छा रुकिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। हाँ चलिए अब देखिए आउटपुट डिवाइस हमने हेडिंग मेंशन कर दिया है, आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में अब हम लोग लिखने चल रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आउटपुट डिवाइस में लिखने से पहले देखो हमने बताया है कि सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए, देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है मॉनिटर, है ना, ये रहा मॉनिटर। मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, चलिए अब देखो बच्चे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के बाद दूसरे नंबर पे देखिए, मॉनिटर दूसरे नंबर पे हम लोग बोर्ड पे मेंशन करेंगे प्रिंटर, देखिए हमने लिखा है प्रिंटर, ठीक है। चलिए प्रिंटर के बाद तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे हमने लिखा है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर है ना, लो हमने लिखा है प्रोजेक्टर। चलो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर के बाद फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर पे हमने लिखा है, ये आप पढ़े भी हैं, प्लॉटर, देखिए लिखा गया प्लॉटर। प्लॉटर के बाद देखो हमने फिफ्थ नंबर पे लिखा है स्पीकर, और स्पीकर के बाद हमने सिक्स नंबर पे देखो लिखा है कियोस्क, है ना, कियोस्क। तो ये 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो टोटल देखो 6 पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट हमने बोर्ड पे मेंशन किया है, आप देख सकते हो एक एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। हम बोर्ड पर अगर देखना चाहें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है ना, और कियोस्क है। चलिए अब प्रश्न देखिए कैसे बनता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न हमारे एक एक पॉइंट पर क्रिएट होते हैं, एक एक पॉइंट से प्रश्न हमारा क्रिएट होता है। लो मैं सबसे पहला पॉइंट है ना, मैं सबसे पहला पॉइंट अगर लिखना चाहूँ यहाँ, तो देखिए मैं बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ, देखिए रहा मॉनिटर। चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखो मॉनिटर लिखेंगे, इन डिवाइस को पूरा करना है ना मॉनिटर, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग मॉनिटर पे काम करेंगे। कहीं जो वॉइस की प्रॉब्लम कल बन रही थी जरा बताइएगा, जो वॉइस की प्रॉब्लम कल नहीं बन रही थी, आप लोग कह रहे थे बार बार सर वो वॉइस रिपीटेड होता है, वॉइस रिपीट होता है, वो प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, है ना। मुझे नहीं लग रहा होगा कि वॉइस की प्रॉब्लम आज होगी।
हाँ रुक जाओ, अभी दिखाई पड़ेगा, एक सेटिंग आ गई है, सेटिंग हटाना पड़ेगा। चलो एक सेटिंग आ गई वो सेटिंग एक आ गई थी, सेटिंग हट जाएगी, घबराओ मत। चलिए चलिए मॉनिटर में आ जाइए, देखो मॉनिटर अब दिख रहा होगा ना, चलो मॉनिटर में दिख रहा होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। हाँ चलो मॉनिटर देखो, हमने बोर्ड पे लिखा है, हम नया लाइन से लिखेंगे। देखिए बच्चे, हम लिखेंगे यह आउटपुट डिवाइस होता है, देखो आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, लो हमने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा है यह आउटपुट डिवाइस होता है, नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पे देखो हम लिखेंगे बच्चे, हम नए लाइन से देखो लिखेंगे। हाँ हम मेंशन करेंगे यह सॉफ्ट स्क्रीन कहलाता है, लेकिन सॉफ्ट स्क्रीन कहलाता है, ठीक है यह सॉफ्ट स्क्रीन कहलाता है, सॉफ्ट स्क्रीन कहलाता है, क्लियर। चलो नए लाइन से लिखेंगे अगेन, देखो नए लाइन से लिखेंगे। हाँ हमने बोर्ड पे लिखा है, देखो हमने लिखा है यह हाँ यह यूजर के इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, देखिए डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है बच्चे, है ना। तो ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यह आउटपुट डिवाइस होता है पहली चीज, यह सॉफ्ट स्क्रीन कहलाता है, सॉफ्ट स्क्रीन, सॉफ्ट स्क्रीन का मतलब मॉनिटर पर ही, है ना, मॉनिटर पर ही देखो हम सॉफ्ट स्क्रीन पाते हैं, स्क्रीन तो है ही है पर वो स्क्रीन कैसा होगा, सॉफ्ट, क्लियर है। चलिए फिर आपने लिखा है यह यूजर के इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, उसको डिस्प्ले करने का काम है ना कौन करता है, मॉनिटर करता है ना, उसको डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर करता है, क्लियर हुआ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना, अब 22 क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया लाइन से देखो हम लिखेंगे नोट, देखो नोट करके, है ना, नोट करके हमने तीन पॉइंट्स लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करिएगा सभी बच्चों से, है देखो बोर्ड पर हमने लिखा VDU, है ना, VDT और VGA, देखो तीन वर्ड हैं, पेपर में तीनों के फुल फॉर्म पूछता है, तो चलो तीनों के फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं ना, हम देखेंगे कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है, कैसे हम इनके फुल फॉर्म को याद करें, है ना, या कैसे प्रश्न हमसे पूछेगा। तो चलिए हम इसके फुल फॉर्म को लिखते हैं, आप देखो वीडियो का पूरा नाम है ना, वीडियो का पूरा नाम देखो हमने लिखा है वीडियो, है ना, डिस्प्ले, देखिए वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसे हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट, क्लियर है। अच्छा फिर हमने, हाँ फिर हमने पूछा है जरा बताइएगा इसका इसका क्या फुल फॉर्म होगा, देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, हाँ हमने पूछा है, अच्छा मनीष, हाँ इसमें भी मैं चर्चा करूंगा, मॉनिटर पर मैं चर्चा करूंगा। देखो वी है ना VDT, इसको देखो हमने लिखा है VDU, है ना, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, अभी बताइएगा कहाँ पे क्या गलती है। फिर देखो हमने लिखा है वीडियो, है ना, अभी कहीं गलती है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स एरे, एरे या इसको हम लोग कहते हैं एडॉप्टर भी, है ना, एडॉप्टर, यहाँ पे एक जगह गलती है बच्चे, है ना,
मैं जानता हूं कि कहीं गलती है, ठीक है। अब वो हम देखना चाहेंगे कहां पर गलती है, कहां पर मिस्टेक है, इस चीज को हमें देखना है। चलो हम देखना चाहते हैं कहीं गलती है। अब देखो बच्चे, है ना, यहाँ पर मनीष ने लिखा विजुअल। बच्चे ध्यान रखिएगा, देखो ये आपका जो कैमरा है, देखो ये आपका जो कैमरा है, ये विजुअल आपने कहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा विजुअल यहाँ नहीं होगा बच्चे, है ना, ध्यान रखिए ये सही है। देखो गलती कहाँ कहाँ है, मैं यहाँ काट देना, देखो सॉरी ये आपका गलती है, देखो ये गलती प्लेस है, इसको मैंने काट दिया, ये भी गलत प्लेस है, हमने काट दिया। देखो ये होता है विजुअल, है ना, ये भी देखो होता है विजुअल। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी मॉनिटर की बात होगी, है ना, तो विजुअल होता है, जब भी मॉनिटर की बात होती है तो विजुअल होता है ना, विजुअल ध्यान रखिएगा। अब हमने प्रश्न पूछा है, देखो है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम हो गया विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और इसका पूरा नाम हो गया देखिए वीडियो, ये सही है, ये सही है, वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर, है ना, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। चलो अब प्रश्न देखो क्या बनता है, ध्यान रखना प्रश्न हमसे क्या पूछा जाता है, किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे कैसा प्रश्न बनेगा। आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, देखो प्रश्न सबसे पहले बनता है कि जरा बताओ ये वीडियो और वीडीटी क्या है, है ना, वीडियो और वीडीटी क्या है, हम क्या बताएंगे, तो हमें पता होना चाहिए। देखो वीडियो और वीडीटी ये उपरोक्त दोनों, ये तो दोनों है, इनको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, मॉनिटर, क्लियर होगा। अच्छा हमने पूछा जरा बताना कि इसे क्या कहते हैं, है ना, वीजीए को, तो इसे हम लोग देखो कहते हैं कैमरा, एक कैमरा है, क्लियर। तो ध्यान रखना कौन कैमरा है कौन मॉनिटर है, इस पे प्रश्न बनता है और हम इजीली बता पाए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब था एक फुल फॉर्म पेपर में जरूर मिलता है हम सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम हेडिंग लिखेंगे मॉनिटर के प्रकार, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग लिखेंगे मॉनिटर के प्रकार, है ना, मॉनिटर के प्रकार होते हैं, तो चलो हेडिंग लिखते हैं। देखो हमने बोर्ड पे लिखा है टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, है ना, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के प्रकार होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अभी एक प्रश्न आपने पूछा था सर मॉनिटर क्या होता है, इनपुट होता है कि आउटपुट होता है, तो लो बच्चा मैं बता दूं, जो मॉनिटर होता है, देखो मॉनिटर ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा था भी सर, आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्लियर। पर अगर पेपर ने पूछा, है ना, अगर पेपर ने आपसे पूछा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉनिटर की नहीं, हम बात कर रहे हैं स्क्रीन की, देखो हमने लिखा है स्क्रीन, स्क्रीन कैसा डिवाइस है, तो हम बताएंगे सर आउटपुट डिवाइस है, इसका मतलब स्क्रीन भी आपका आउटपुट डिवाइस है, इस चीज की चर्चा होनी चाहिए, स्क्रीन भी आपका आउटपुट डिवाइस है, कंफर्म हो गया। चलिए फिर प्रश्न देखो क्या पूछता है आपसे, आपसे प्रश्न पूछता है कि जरा बताओ, है ना, देखो ये रहा, हमने लिखा टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, देखो ये रहा टच स्क्रीन, अभी इसने कहा टच स्क्रीन, तो जब टच स्क्रीन कहेगा देखो आईओ डिवाइस बोलेंगे, है ना, आईओ डिवाइस है, तो तीनों में अंतर है भैया, है ना, तीनों में अंतर है। पेपर में देखना होगा कि वह किसकी चर्चा कर रहा है ना, क्या चीज हमें फोकस करा रहा है, किस चीज पे हमें वहां पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की तो स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस होता है, पर अगर हम बात करते हैं टच स्क्रीन की तो वह आईओ डिवाइस होता है, आगे बढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग मूव करेंगे। देखिए हमने बोर्ड पे मेंशन किया है, हमने एक बोर्ड पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टाइप ऑफ मॉनिटर, ये हेडिंग है ना, टाइप ऑफ मॉनिटर। चलिए टाइप ऑफ मॉनिटर एक हेडिंग हमने मेंशन किया है। अब प्रश्न उठता है कि मॉनिटर के प्रकार कितने हैं, तो हम लिखेंगे देखो बोर्ड ने लिखा है, हमने लिखा है आकार, है ना, आकार के आधार पर, देखो आकार के आधार पर व तकनीकी के आधार पर, देखिए व तकनीकी, तकनीकी के आधार पर, आकार के आधार पर व तकनीकी के आधार पर, है ना, आधार पर मॉनिटर, मॉनिटर पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, देखिए बोर्ड पे लिखा गया आकार के आधार पर वह तकनीकी के आधार पर मॉनिटर पांच प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कौन से, है ना, कौन से पांच होते हैं, तो चलो मैं उन पांचों का नाम लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीआरटी, है ना, दूसरे नंबर पे देखिए हमने लिखा है एलसीडी,
तीसरे नंबर पे देखो हमने लिखा TFT, चौथे नंबर पे देखो हमने लिखा LED, पांचवे नंबर पे देखिए हमने लिखा OLED, पांचवे पे देखिए हमने लिखा OLED। ये पांच प्रकार के मॉनिटर होते हैं, क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि मॉनिटर जो होते हैं वो पांच प्रकार के बनाए गए हैं, क्लियर हो गया। मॉनिटर कितने प्रकार के बने हैं? पांच प्रकार के। ठीक है, तो आपने बताया है कि जो हमारा मॉनिटर होता है वो पांच प्रकार का होता है, हमें नॉलेज हो गई। चलिए अब पेपर में प्रश्न उठता है कि इनके फुल फॉर्म बताइए, है ना, इन पांचों के फुल फॉर्म हमें पता करना है। चलिए इन पांचों के फुल फॉर्म पूछता है तो हम फुल फॉर्म में क्या बताएंगे, है ना। अब जरा मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चलो मैं आप सभी से पूछूंगा, मुझे एक प्रश्न का जवाब ये दीजिएगा कि CRT का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट करिए, है ना। CRT का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट में क्या मिलता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भैया CRT का पूरा नाम, आपका कमेंट में रीड आउट कर रहा हूं, यहां से पढ़ रहा हूं, तो CRT का फुल फॉर्म है ना, हाँ, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा, देखो बोर्ड पे लिखा गया कैथोड, है ना, देखिए हमने लिखा कैथोड रे ट्यूब, देखिए रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, है ना। चलिए बहुत अच्छा, LCD का पूरा नाम बताइए तो हम बताएंगे लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देखिए हमने बोर्ड पे लिखा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा फिर हमने पूछा है जरा बताइए TFT का पूरा नाम, तो हम बताएंगे सर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, देखिए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये नॉलेज होना चाहिए। अच्छा फिर हमसे पूछा गया LED, हम बताएंगे लाइट एमिटिंग डायोड, देखो एक नंबर का प्रश्न बनता है, फुल फॉर्म आना चाहिए लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आपको OLED होता है, देखो OLED में LED कॉमन है, LED कॉमन है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है इसका, हाँ OLED का देखो बच्चे ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, हम लिखेंगे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए हमने लिखा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक LED, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक LED। तो मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई डाउट होगा, आप क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है बच्चे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमने बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए अब यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न है जो हमसे पूछता है तो हम बता पाए, है ना, कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो बार बार हमसे पूछता है तो हम बता पाए। चलिए मैं कमेंट के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। चलो एक चीज का नॉलेज हमें होना चाहिए, देखो एक चीज का नॉलेज हमें होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, नॉलेज ये होना चाहिए, हाँ बच्चे, कि इनका प्रयोग क्या है और एक कैसे थे और कब थे, क्या थे, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो चलो सबसे पहला पॉइंट है ना जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, मैं CRT से लिखूंगा, चलो CRT करके एक एक करके मैं समय बताता चल रहा हूँ। लो सबसे पहला देखो हमने CRT लिखा है ना, CRT, ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट को मैं फोकस कर रहा हूँ। CRT में हम लोग लिखेंगे यह आकार में सबसे बड़ा है, देखो हमने बोर्ड पे लिखा है यह आकार में, है ना, यह आकार में सबसे बड़ा है, देखो सबसे बड़ा है, यह आकार में सबसे बड़ा है, पहला पॉइंट हो गया, यह आकार में सबसे बड़ा है। ठीक, अच्छा फिर देखो नया लाइन से हम लिखेंगे, ध्यान रखना बच्चे, देखो यह अगेन, यह वैक्यूम ट्यूब, देखिए यह वाल्व, देखिए अब वाल्व जिसे को हम कहते हैं VT, VT का मतलब आप जान रहे हैं वैक्यूम ट्यूब, देखिए हमने लिखा है वैक्यूम ट्यूब, है ना, का प्रयोग करता है, का प्रयोग करता था, ये हमने लिखा, देखो यह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था। हाँ बिल्कुल, नोट्स मिल जाएगी बच्चे, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा इस नंबर पर आफ्टर क्लास, है ना। तो देखिए आपने लिखा है यह वॉल्व, है ना, यह वॉल्व जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बनता है, नया लाइन से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे यह प्रयोग में नहीं है, देखो यह प्रयोग में नहीं है,
यह प्रयोग में नहीं है, क्लियर। क्यों प्रयोग में नहीं है, हम लिखेंगे यह डेड मॉनिटर है। बोलो कैसा मॉनिटर है, डेड। देखो डेड मॉनिटर है, डेड मॉनिटर है, क्लियर। अब इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं लिखा रहा हूं, बस हमारे पेपर में, हाँ हमारे पेपर में जो प्रश्न होते हैं उसी से, हाँ उसी से मैं संबंधित क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ। सीआरटी, देखो सीआरटी का सबसे पहला प्रश्न आकार में बड़े हैं। अच्छा, वह आकार में बड़े हैं तो जाहिर सी बात है भाई कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, है ना, बिजली की खपत ज्यादा करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हमसे, है ना, पूछता चलेगा तो हम पेपर में बताते चलेंगे। दूसरे नंबर पे देखो, यह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था। वैक्यूम ट्यूब आप जान ही रहे हो, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में सीआरओ पढ़ते हो, सीआरओ आपने पढ़ा होगा। अच्छा फिर देखो, यह प्रयोग में नहीं है, अभी डेड मॉनिटर है ना, डेड मॉनिटर है। अच्छा चलिए फिर हम लोग, हाँ फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ देखिए, यहाँ पर कमलेश ने बताया है कि क्या होता है सीआरओ वगैरह, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। चलिए फिर देखो, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे मेंशन करेंगे। हाँ अब इसके बाद सीआरटी से हटकर हम लोग लिखेंगे, देखो आपने लिखा था एलसीडी, ध्यान रखना एलसीडी, है ना, एलसीडी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। एलसीडी का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। हाँ एलसीडी का पूरा नाम आपने बताया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसमें नए लाइन से लिखेंगे, देखो यह मॉनिटर, ध्यान रखना यह मॉनिटर लिक्विडिटी, देखिए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के प्लेट पर, है लिक्विडिटी के प्लेट, लिक्विडिटी के प्लेट पर कार्य करता है। देखो कार्य करता है, लिक्विडिटी के प्लेट पर कार्य करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह देखो मॉनिटर लिक्विडिटी के प्लेट पर कार्य करता है, ये नॉलेज हमें होना चाहिए। चलिए फिर प्रश्न देखो क्या बनता है, मैं यहां से बताता चल रहा हूं, आप ध्यान देते चलिएगा, है ना। फिर देखो नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, देखिए यह मॉनिटर, देखो यह मॉनिटर, यह मॉनिटर इमेज का निर्माण, देखिए इमेज का निर्माण, इमेज का निर्माण तरलता प्लेट से करता है, तरलता प्लेट से, देखिए तरलता प्लेट से करता है, प्लेट से करता है, प्लेट से करता है। नए लाइन से, यह मॉनिटर इमेज का निर्माण तरलता प्लेट से करता है। नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, यदि, देखो यदि, यदि तरलता प्लेट ब्रेक हो जाए, देखिए तरलता प्लेट ब्रेक हो जाए, है ना, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो यह इमेज को नहीं बना सकता, तो यह इमेज को, देखो हमने लिखा तो यह इमेज को नहीं बना सकता, इसे समझिएगा नहीं बना सकता। बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता चल रहा हूं, अगर तरलता प्लेट ब्रेक हो जाए तो यह इमेज को नहीं बना सकता, पहला पॉइंट। और है ना, और पूरी प्लेट रिप्लेसमेंट होने पर यह महंगा है, ठीक है, पूरी प्लेट रिप्लेसमेंट होने पर ये महंगा है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और देखिए प्लेट रिप्लेसमेंट होने पर ये महंगा है, रिप्लेसमेंट होता है जो एक्सपेंसिव है, जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा है, है ना। तरलता प्लेट आपका क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो ये महंगा पड़ जाएगा, क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग लिखेंगे। अब देखो इसको जरा समझ लो, है ना, सारे बच्चे समझिएगा। देखो हमने लिखा है एलसीडी, यह मॉनिटर लिक्विडिटी के प्लेट पर कार्य करता है, यह मॉनिटर इमेज का निर्माण तरलता प्लेट से करता है, यदि तरलता प्लेट ब्रेक हो जाए तो यह इमेज को नहीं बना सकता है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और तरलता प्लेट को अगर हम चेंज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये एक्सपेंसिव होगा। तो इस तरह से प्रश्न हमसे पूछता है तो हम बता सके। बोलिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे, सीआरटी के बाद एलसीडी हो गया, एलसीडी के बाद फिर हम लोग लिखेंगे, है ना, चलो लेफ्ट नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एलईडी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टीएफटी है, टीएफटी है ना, टीएफटी ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। चलो टीएफटी का पूरा नाम, अगर हम टीएफटी का पूरा नाम पूछे तो अभी आपने बताया था, ठीक है, टीएफटी, देखो आपने कहा था सर थिन, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, देखिए हमने लिखा है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, देखो हमने बोर्ड पर लिख दिया है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है, है ना, एक एक पॉइंट पर कमांड होना चाहिए, अगर कमांड नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पे नाम से पता चला ना, नाम से पता चला थिन, अब थिन का मतलब कोई कमेंट से बताए मुझे, चलो थिन का मतलब कोई कमेंट से बताएगा कि थिन क्या होता है ना,
ये पेपर में एक प्रश्न बनता है, थिन और थिक। अच्छा, तरलता का क्या मतलब है? लिक्विडिटी। तरलता का मतलब लिक्विडिटी है ना बच्चे? देखो, तरलता का मतलब लिक्विडिटी है। जैसे आपको पता होगा ना कि पहले हमने देखा था कुछ मॉनिटर ऐसे आते थे ना, अगर उस पे हम थंब लगाते थे, अभी भी आते हैं लैपटॉप, तो आपने देखा होगा जब थंब लगाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो मॉनिटर के डिस्प्ले के अंदर पानी है, लिक्विड है, और वो थोड़ा सा हटता है, पिक्चर थोड़ा सा हटता है। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे थिन का क्या मतलब है? थिन का मतलब समझिएगा, थिन का मतलब देखो बोर्ड पे लिखा गया है, थिन का मतलब देखो, थिन का मतलब होता है पतला। थिन का मतलब पतला, ठीक है। एक नंबर का प्रश्न हमारे पेपर में बनता है, थिन का मतलब पतला होता है। और अगर हम बात करें थिक का, THIC K, थिक, तो थिक का मतलब देखो होता है मोटा। तो एक पतला वर्ड है तो एक मोटा वर्ड है ना, दो वर्ड होते हैं, थिन और थिक। क्लियर हुआ? थिन और थिक दो वर्ड होते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न ध्यान रखना बच्चे, है ना। एक प्रश्न देखो बनता है कि थिक जो होता है ये सर्वर होता है, थिक सर्वर होता है, और थिन जो होता है मॉनिटर होता है। तो आज ये पेपर में हमें पूछता भी है कि थिन और थिक में क्या अंतर है। तो जो थिन होता है वो पतला होता है, वो मॉनिटर है, और जो थिक है वो मोटा है, वो सर्वर है। तो बहरहाल यहाँ मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ूंगा LED पे, है ना, मैं बताऊंगा कुछ चीजें। चलिए LED में लिखेंगे, सॉरी LED कह रहे हैं, TFT लिखेंगे ना। TFT देखो, अब इसमें लिखेंगे ये मॉनिटर जो होता है ट्रांजिस्टर डिवाइस। देखिए रहा, देखो इस मॉनिटर में, देखो हमने लिखा इस मॉनिटर में ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया, डिवाइस का प्रयोग हुआ है, प्रयोग है। अब ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग हुआ है। चलो अब जरा मुझे बताओ, जब ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग होगा तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगे। देखो ये रहा, यह पिक्चर का निर्माण बेहतर करता है, पिक्चर का निर्माण बेहतर करता है। चलिए नए लाइन से लिखेंगे, यह पिक्चर को अलग अलग सेगमेंट में बनाता है। देखो यह पिक्चर को अलग अलग सेगमेंट में बनाता है। बहरहाल यहां ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, बस छोटी छोटी चीजों को मैं बताता चल रहा हूं। आप देखिएगा, यहाँ लिखा गया इस मॉनिटर में ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया, यह पिक्चर का निर्माण बेहतर करता है, यह पिक्चर को अलग अलग सेगमेंट में बनाता है। अलग अलग सेगमेंट का मतलब समझिएगा, जैसे आपके जो पिक्चर होते हैं, देखो ये मॉनिटर है, तो इसमें जो पिक्चर होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट इसके होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पिक्चर बनते हैं। इसका मतलब पिक्चर की क्लियरिटी इसमें बेहतर होती है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पता पढ़ा रहे बच्चे, हाँ कमलेश ने लिखा है LCD है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में डायोड लेते होंगे तभी तो डेट का डिस्प्ले करता होगा। बिल्कुल है ना, बात आपकी सही है। पर डायोड जो होता है, हम यहाँ बताएंगे कि डायोड जो सिर्फ वो पर्टिकुलर उसी के लिए लिया जाएगा, जैसे आपने कहा वो पर्टिकुलर फंक्शन डेट फंक्शन के लिए ही लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, TFT के बाद बोलो नेक्स्ट कौन सा मॉनिटर है? LED। अब देखो LED का पूरा नाम है ना क्या, लाइट। देखो लाइट एमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम देखो बच्चे, लाइट एमिटिंग डायोड है ना। अब ये देखो डायोड है ना, डायोड बेस्ड मॉनिटर है। देखो हमने लिखा है यह मॉनिटर सबसे है ना बेहतर है, सबसे बेहतर है। इसका मतलब हम सभी की बात कर रहे हैं, यह मॉनिटर सबसे बेहतर है। अच्छा नए लाइन से लिखेंगे, हाँ इस मॉनिटर में, देखो हमने लिखा है इस मॉनिटर में पिक्चर का निर्माण डायोड डिवाइस से होता है,
डायोड से होता है ना, डायोड से होता है, डायोड से होता है, क्लियर, डायोड से होता है। फिर हम लोग नए लाइन से लिखेंगे, हाँ देखो हम नए लाइन से लिखेंगे, अगेन हमने लिखा है यह, ध्यान रखिएगा यह रनिंग, देखो यह रनिंग मॉनिटर है, यह रनिंग मॉनिटर है ना, एक पेपर में एक सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, लाइट एमिटिंग डायोड है ना, रनिंग मॉनिटर है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मॉनिटर के अंदर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, एक क्वेश्चन पूछेगा बहुत बेसिक तरीके से, मैं बताता चल रहा हूँ। अच्छा एलईडी के बाद देखो ओएलईडी, चलो ओएलईडी देख लो पहले, ओएलईडी है ना, ओएलईडी क्या होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, आपने पीछे पढ़ा है, इसका पूरा नाम देखो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है ना, ये आपने पढ़ा है। अब देखो इसमें एक नई चीज आ गई ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक कॉन्सेप्ट है ना, आपने पढ़ा ना कार्बनिक अकार्बनिक है ना, अकार्बनिक या कार्बनिक आपने विज्ञान में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, तो आखिर साइंस ही तो, साइंस की ही तो देन है, कि साइंस की ही देन हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, हमारा जो है हमारे आविष्कार है, साइंस की देन है। तो इसमें हम नए लाइन से लिखेंगे, देखो यह लेटेस्ट है ना, देखो यह लेटेस्ट मॉनिटर है, लेटेस्ट है ना मॉनिटर है, लेटेस्ट का मतलब यहाँ नए से है, क्लियर। देखो हमने लिखा है यह कर्व मॉनिटर, देखो कर्व मॉनिटर है, कर्व मॉनिटर है, ठीक है, यह कर्व मॉनिटर है। नए लाइन से लिखेंगे यह डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस पर इमेज है ना, इमेज को डिस्प्ले करता है, इमेज को दर्शाता है, डिस्प्ले करता है, देखो इमेज को डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है, ध्यान रखना यह लेटेस्ट मॉनिटर है, यह कर्व मॉनिटर है, हमने बोर्ड पे लिखा है यह डिस्टेंस पर इमेज को डिस्प्ले करता है, और यह महंगा है, देखिए ये हमने लिखा एक्सपेंसिव है, तो बहुत आसानी से प्रश्न बनते हैं एक्सपेंसिव है। अब जरा एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा ना, मैं बोर्ड पर पूछ रहा हूँ, देखिए ओएलईडी जो है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, सबसे पहली बात है यह लेटेस्ट मॉनिटर है, यह कर्व मॉनिटर है, अच्छा यह डिस्टेंस पर इमेज को डिस्प्ले करता है, यह एक्सपेंसिव है, इसका मतलब समझिएगा, जैसे हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको बताया है कि हम कभी न्यूज देखते हैं ना, न्यूज तो हमने देखा होगा, न्यूज में नीचे फ्लैश चलता है, तो जो फ्लैश चलता है, जैसे इस समय हमारे वीडियो में आप नीचे देख रहे हो कि स्क्रॉल चल रहा है, तो जो स्क्रॉलिंग टेस्ट चल रहा है बहुत छोटा है ना, अगर हम दूर कर देंगे तो शायद ना दिखाई पड़े, पर अगर वो डिस्टेंस मॉनिटर से है, डिस्टेंस मॉनिटर मतलब ओएलईडी से है, तो वहां बताया जाएगा कि इतने दूरी के अंदर वह आपको विजिबल होगा, और इसी का वो पैसा लेते हैं, उसी का एडवांटेज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होना चाहिए कि मॉनिटर पांच होते हैं, और पांचों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं ले गए हैं। देखिए सीआरटी है, आपने लिखा है एलसीडी है, आपने लिखा है टीएफटी है, आपने लिखा है एलईडी है, आपने लिखा है डायो है ना, ओएलईडी है, ओएलईडी है। अच्छा ध्यान रखिएगा इनके बारे में, देखो जो हमने लिखाया वो लिखाया ही है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत सरल है। अब ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, प्रश्न कैसे बनते हैं, हमने कहा सीआरटी देखो ये ओल्ड है, ओल्ड का मतलब प्रयोग में नहीं है, डेड है, इसे डेड कहते हैं ना। अच्छा एलसीडी देखिए, इसमें हम कहते हैं इमेज की क्लियरिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब इसमें देखो लिक्विडिटी की प्लेट है, लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी हमने लिखा है तरलता, उसी को हम लोगों ने कहा है तरलता प्लेट है ना, लिक्विडिटी प्लेट पर काम करता है। अच्छा ये आपका देखो वीटी पे काम करता था, वीटी का मतलब वाल्व पे काम करता था। अच्छा टीएफटी देखो ये टीएफटी है, टीएफटी का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, देखो ये ट्रांजिस्टर पे काम करता है, ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, और ये भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। एलईडी देखो डायोड बेस है, और ये आपका देखिए कर्व है ना, कर्व है, एलईडी को प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, ये बेस्ट है, एलईडी बेस्ट है और रनिंग है, ध्यान रखिएगा बेस्ट है और रनिंग है, और वही अगर हम चर्चा कर लें, अगर वही हम चर्चा कर लें कर्व की, देखो तो कर्व जो होता है ये हमारा लेटेस्ट है, इसे हम लेटेस्ट कहेंगे और महंगा कहेंगे, ठीक है, और इसमें देखो ये डेड है, प्रयोग में नहीं है, सस्ता, अगर इसमें सस्ता पूछ ले तो सीआरटी सस्ता था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जनरल आपके पेपर में।
इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। सीआरटी ओल्ड मॉनिटर है, डेड है, वैक्यूम ट्यूब है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्क है जो मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए कुछ वर्क है जो मैं आपको देना चाहूंगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए बोर्ड तुमने लिखा है, हमने लिखा है मॉनिटर जो होते हैं, चलिए कुछ वर्क है इसे आप लोग पढ़ लेना, है ना, मैं बता रहा हूँ इसे पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। देखो ये रहा, हमने बोर्ड पे लिखा है अगेन मॉनिटर को, देखो मॉनिटर को ध्यान रखना बच्चे, मॉनिटर को रंगों, है ना, मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर, ये तीन प्रकार के होते हैं, मॉनिटर को प्रदर्शित रंगों के आधार पर, देखो प्रदर्शित रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बांटा गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मॉनिटर को प्रदर्शित रंगों के आधार पर, है ना, कितने भागों में बांटा गया, तो हम बोलेंगे सर तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा अब प्रश्न देखो क्या बनता है, इस पे कैसे प्रश्न बनता है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। वो तीन कौन से हैं, है ना, इसे आप पढ़िएगा, ये पेपर में पूछा जा रहा है, आज के पेपर में, नए पेपर में प्रश्न बन रहा है। सबसे पहला देखो होता है, हमने लिखा है मोनोक्रोम, देखो मोनोक्रोम है ना, पहला होता है मोनोक्रोम। अच्छा दूसरे नंबर पे देखो होता है ग्रे स्केल, देखिए ग्रे स्केल दूसरे नंबर पे होता है, और तीसरे नंबर पे होता है कलर मॉनिटर, देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है कलर मॉनिटर, है ना, इसके बारे में जरा सा पढ़िएगा, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बोर्ड पे ध्यान रखिएगा कि तीन तरह के मॉनिटर होते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया है कि मॉनिटर को प्रदर्शित रंगों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, पहला आपका है मोनोक्रोम, दूसरा है ग्रे स्केल, और तीसरा है कलर मॉनिटर, है ना, इस पे भी प्रश्न हमारे क्रिएट होते हैं, क्लियर है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब आगे बढ़ रहे हैं, चलिए, है ना, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का मॉनिटर हो गया है, मॉनिटर के बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंटर, है ना, अब प्रिंटर पे चल रहे हैं। ये आपको हमने, हाँ ये आपको हमने काम दिया है, इस कार्य को आपको करना है, ठीक है, एक कार्य आपको करना रहेगा, और इसे अच्छे से, है ना, आप कोशिश करिएगा कि दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कर पाए, बता पाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं प्रिंटर, देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है प्रिंटर, है ना, ये हेडिंग होगा प्रिंटर के नाम से। चलिए प्रिंटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पेपर के बारे में बच्चे अभी बहुत अस्पष्ट नहीं है, पेपर आपका मार्च में पॉसिबिलिटी बन रही है ना, बिफोर होली, होली के पहले, तो तैयारी जोरदार रखिए बच्चे, है ना, होली के पहले पेपर की तैयारी हो सकती है, बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो प्रिंटर से प्रश्न एक जरूर होगा, पेपर में एक नंबर का प्रश्न प्रिंटर से जरूर होगा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अच्छा प्रिंटर होता क्या है, करता क्या है ना, पहला प्रश्न देखिए हमने लिखा है, हमने लिखा है सबसे पहले देखो यह आउटपुट डिवाइस है, देखो यह आउटपुट डिवाइस है, पहला पॉइंट हो गया यह आउटपुट डिवाइस है। चलिए नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, देखो हम नए लाइन से लिखेंगे बच्चे, देखो हम लिखेंगे यह सॉफ्ट कॉपी को, बोलो किसमें, हार्ड कॉपी में, है ना, हार्ड कॉपी में बदलता है, ये नॉलेज होना चाहिए। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है ना, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, ये प्रिंटर है। अच्छा नए लाइन से देखो हम लिखेंगे, ध्यान रखना बच्चे, हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस पी, देखो कंट्रोल प्लस पी किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस F2, है ना, ये आपका होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। हाँ राकेश ने लिखा है,
अच्छा यहाँ पे कमलेश, रुको कमलेश आपका मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा कमेंट आपने लिखा है बच्चे। हाँ आपने लिखा है सर कीपैड वाले मोबाइल में तो एलईडी लगा होता है ना, लगा होता था और इमेज देखने के लिए एलईडी को हाथ से छुपा लेते थे, और अब स्मार्टफोन में है ना एलसीडी लगा होता है और इमेज क्वालिटी बेहतर होती है प्रकाश में भी, तब कैसे एलईडी अच्छा हुआ, है ना। आपने सही कहा है पर ध्यान रखिएगा, देखिए बच्चे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपने कहा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर में यही चीजें बेहतर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मॉनिटर में बस एलईडी और इसी का रोल है, तो नहीं है ना। मॉनिटर में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ भी लें। देखो ये रहा, ध्यान रखिएगा मॉनिटर, देखो मॉनिटर में इमेज, देखिए मॉनिटर में इमेज बेहतर होने के, देखिए बेहतर होने के कारण, होने के कई कई है ना, कई कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है मॉनिटर में इमेज बेहतर होने के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। अब आप एक एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से, है ना, ठीक है। हाँ राकेश यादव ने लिखा है सर आपसे अनुरोध है कि 4102 पोस्ट टेक्नीशियन लाइनमैन बहाल करवाएं। बच्चे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, जो कहोगे हमसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं है ना आपकी हेल्प करूंगा और मैं अपनी कोशिश भी कर रहा हूँ। चलिए अब इसमें देखो क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखना है ना, क्या क्या चीजें होती हैं जो चीजों को बेहतर बनाती हैं। आपने इसे सुना है कि नहीं, सीसीएफएल। देखो सबसे पहला सीसीएफएल, सीसीएफएल आपने अपने टेक्निकल में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट। देखो हमने लिखा है कोल्ड कैथोड, कैथोड है ना, फ्लोरो फ्लोरोसेंट, देखिए हमने लिखा है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट है ना, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, देखिए लिखा गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोल्ड कोल्ड कैथोड है ना, फ्लोरो फ्लोरोसेंट, देखिए हमने लिख दिया कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट है ना, ये आपका होना जरूरी है। अच्छा इसके बाद यही नहीं, देखो दूसरे नंबर पे ये सब पढ़ लेना जरा सा, नहीं पढ़ पाओगे तो हम बताएंगे। दूसरे नंबर देखो रिफ्रेश रेट, देखिए रिफ्रेश रेट होना जरूरी है मॉनिटर में। अच्छा रिफ्रेश रेट ही नहीं, आपने पढ़ा होगा रेजोल्यूशन, देखो आपने पढ़ा होगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होना जरूरी है, मतलब ये सारे पॉइंट्स रहेंगे तभी मॉनिटर अच्छे से इमेज क्रिएट करेगा। अच्छा यही नहीं, फिर देखो चौथे नंबर पे हमने लिखा है, ध्यान रखना, देखो हमने लिखा इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग या नॉन इंटरलेसिंग, देखो नॉन इंटरलेसिंग ये वर्ड है, नॉन इंटरलेसिंग है ना। अब इस दोनों को समझना होगा कि ये दोनों क्या होता है। अच्छा इसके बाद पांचवें नंबर पे देखना बच्चे बिट मैपिंग, देखो हमने लिखा है बिट मैपिंग, ये सारे बहुत एडवांस चीजें हैं जिसपे हम लोग है ना नहीं पढ़ाते नहीं बताते हैं। अच्छा अब ध्यान रखिएगा इसके बाद यह नहीं, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, देखो ये रहा कलर, कलर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स है ना एडाप्टर, देखो एडाप्टर ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें आना चाहिए। अच्छा इसके बाद देखिए, हाँ ये सारी चीजें हैं। अब देखो 7-8 पॉइंट हैं जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है भैया। तो अब आप ध्यान ही रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं बच्चे, ठीक है। आपने पूछा तो हमने बता दिया, और ठीक है तो इस चीज का बहुत हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कमलेश, कमलेश जी देखिए आपके लिए मैंने इतने पॉइंट बताए हैं कि मॉनिटर में इमेज बेहतर होने के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो एक सीसीएफएल कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट, एक रिफ्रेश रेट होता है, रेजोल्यूशन होता है, इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग होता है, बिट मैपिंग होता है, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर होता है। तो जब तक ये सारे पॉइंट्स बेहतर नहीं रहेंगे है ना, आपका इमेज बेहतर नहीं बनेगा है ना, वो एलईडी से ही नहीं होता है, टीएफटी से ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओगे तो मैं कल चर्चा करूंगा, ठीक है। मैं कल चर्चा कर दूंगा, बता दूंगा एक एक लाइन, सब बहुत एडवांस चीजें हैं। अब जरा बोर्ड पे देखो, आपने यहाँ लिखा था ना कि प्रिंटर में देखो यह आउटपुट डिवाइस होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बदलता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस एफ टू प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू का मतलब आप जानते हो कि डॉक्यूमेंट कैसा मिलेगा उसे हम पहले देख लें, उसी को हम प्रीव्यू कहते हैं। अच्छा एक चीज का मुझे जवाब दो, अब प्रीव्यू देखो यहाँ बदल गया है, अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में देखो कंट्रोल प्लस पी तो प्रिंट होता है, कंट्रोल
पर अगर हम बात करें प्रिंट प्रीव्यू की, तो आपने पढ़ा होगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ओ, है ना, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान होना चाहिए कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में क्या अंतर है, है ना, दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे प्रिंटर, है ना, प्रिंटर के प्रकार, नए लाइन से लिखेंगे प्रिंटर के प्रकार, हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रिंटर के प्रकार, टाइप ऑफ प्रिंटर। एक नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। चलिए हमने बोर्ड पे लिखा है टाइप ऑफ प्रिंटर, है ना, प्रिंटर के प्रकार, ये बोर्ड पे देखिए हमने लिखा है टाइप ऑफ प्रिंटर। इसमें सबसे पहला ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ सॉरी नंबर नहीं लिखना है, हम लिखेंगे प्रिंटर को, है ना, देखिए रहा प्रिंटर को, देखिए प्रिंटर को आकार और तकनीकी टेक्निक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखो दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए हमने बोर्ड पर लिखा है प्रिंटर को आकार और तकनीकी के आधार पर दो भागों में बांटा गया, बच्चे, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंटर को आकार और टेक्निक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कौन से दो भाग होते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। ये हमने दो भाग बनाया है और आप सभी बच्चे जानते भी हैं। सबसे पहला भाग देखिए हमने बनाया है इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहला हमने लिखा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे नंबर पे देखिए हमने लिखा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस चीज की चर्चा होनी चाहिए। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो होते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा जो इम्पैक्ट होता है, देखो इम्पैक्ट, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नॉइस प्रिंटर। इसे हम नॉइस प्रिंटर कहते हैं। नॉइस प्रिंटर क्यों? क्योंकि आवाज करता है। और इसे हम लोग कहते हैं नॉइस लेस प्रिंटर, है ना, नॉइस लेस प्रिंटर। तो ये पेपर में पूछता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, तो हम बताते हैं प्रिंटर दो प्रकार के हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर हम चलना चाहें तो इसके अंदर भी टॉपिक हमें मिलेगा। अब जो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे देखिए बोर्ड पर तीन होते हैं। सबसे पहला देखो हमने बोर्ड पर लिखा है जो सबसे सबसे पुराना प्रिंटर था, जिसे हम कहते थे डेजी व्हील। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, ये लिखा गया डेजी व्हील प्रिंटर सबसे पुराना था। अच्छा, अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा प्रिंटर देखो था डॉट मैट्रिक्स, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दूसरे नंबर पे था। अच्छा, तीसरे नंबर पे देखो हमने लिख दिया है लाइन प्रिंटर, है ना बच्चे, देखो लाइन प्रिंटर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रिंटर तीन होते हैं, एक डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नॉन इम्पैक्ट में। ध्यान रखना नॉन इम्पैक्ट में देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इंक जेट प्रिंटर, हमने लिखा है इंक जेट प्रिंटर सबसे नंबर वन पर। अच्छा, इंक जेट प्रिंटर के बाद, इंक जेट प्रिंटर के बाद अगर पूछा गया दूसरा बताइए, तो हम बताते हैं देखो बोर्ड पर लेजर प्रिंटर, है ना, ये हमने लिखा है लेजर प्रिंटर बच्चे। अच्छा, लेजर प्रिंटर के बाद देखिए तीसरे नंबर पर हम लोग बताएंगे थर्मल प्रिंटर, ये रहा थर्मल प्रिंटर। तो इस चीज का विशेष ध्यान हमें होना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ना, लेजर प्रिंटर थर्मल प्रिंटर। क्या कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, लाइन प्रिंटर तीन होते हैं। देखो हमने बोर्ड पे लिखा लाइन प्रिंटर भी तीन होते हैं, मैंने इसीलिए इसके अंदर लिख दिया इस पॉइंट को, ना, लाइन प्रिंटर तीन होते हैं। पूछा गया कौन से तीन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन प्रिंटर में सबसे पहला आता है ड्रम प्रिंटर। देखो ड्रम, है ना भैया, ड्रम प्रिंटर। दूसरे नंबर पे आपका आता है ड्रम के बाद हम लिखेंगे चैन प्रिंटर। देखो चैन प्रिंटर, है ना, और चैन प्रिंटर के बाद हम लिखेंगे बैंड प्रिंटर। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है बैंड प्रिंटर, बैंड, है ना, बी ए एन डी है, ये रहा बैंड, बी ए एन डी बैंड प्रिंटर है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि लाइन प्रिंटर में कितने प्रिंटर होते हैं, तो हम बताते हैं लाइन में भी आपके तीन प्रिंटर होते हैं। हाँ, तीन प्रिंटर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए लिखा गया है ड्रम प्रिंटर। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है ड्रम प्रिंटर। अच्छा, ड्रम प्रिंटर के बाद हम लिखेंगे देखो चैन प्रिंटर, चैन के बाद हमने लिखा बैंड प्रिंटर, है ना। तो तीन आपके होते हैं जिसपे हम चर्चा करें तो हमें आना चाहिए, ना, हम टॉपिक बता ले जाए। चलिए अब प्रश्न उठता है, ध्यान रखना यहाँ अभी इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा, एक एक लाइन लिखवाऊंगा। आप देख सकते हो तीन तीन छह तीन नौ, नौ पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग चर्चा बनाएंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये नोट करके हमने लिखा है, नोट करके हमने देखो क्या लिखा है, है ना। हाँ, बोर्ड पे देखिएगा, सबके बारे में बताऊंगा। देखिए हमने लिखा है आधुनिक, देखिए आधुनिक, आधुनिक समय,
अनुसार प्रयोग किए जाने वाले प्रिंटर, प्रयोग में आने वाले है ना व्यवहारिक प्रिंटर, व्यवहारिक प्रिंटर। एक व्यवहारिक प्रिंटर का मतलब है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे भी प्रिंटर मिल रहे हैं जिनको हम कहाँ रखेंगे ना। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भैया व्यवहारिक का मतलब क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्रिंटर जो हमें आज मिल रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो हम चर्चा करेंगे सर ऐसे प्रिंटर व्यवहारिक होते हैं, जैसे देखो इसमें हमने सबसे पहला लिख दिया है फोटो प्रिंटर, है ना। किसने पूछा भैया फोटो प्रिंटर क्या है, तो थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अच्छा, फोटो के बाद देखो हमने लिख दिया है मल्टी, ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। देखिए रहा मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ठीक है। अब मल्टी फंक्शनल प्रिंटर को ही देखो यहाँ कॉम्बो प्रिंटर कहा जाता है, कॉम्बो, है ना। ये देखो लिखा गया कॉम्बो प्रिंटर, इसी को हम लोग कॉम्बो प्रिंटर कहते हैं। अच्छा, प्रश्न उठता है इसमें एक और, देखिए तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया भैया, यहाँ पे हमने लिखा है पोर्टेबल प्रिंटर। देखो ये रहा पोर्टेबल प्रिंटर, तो कहीं ना कहीं इनसे भी प्रश्न उठेगा और हम क्या बताएंगे, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से प्रिंटर है ना, चलिए तो इस तरह से देखो इन सब के बारे में। अच्छा जयप्रकाश, बीसीडी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पड़ा हुआ है, उस पर देख लो सीख लो। यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां देखो बीसीडी की एक हमने बना के रखा है, आप उसे देख लो सीख लो। तो इस तरह से चलिए आज बस यहीं तक बता पाएंगे क्योंकि इनके बारे में कल लिखवाते हैं ना। तो आज थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि चीजें और बेहतर हो जाएं, जो हमारा अभी टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं वो आपका दूर हो जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं, है ना। हमारे साथ में जो भी टेक्निकल टीम हमारी है वो मदद हमारी कर रहे हैं, बार बार हम हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब सही हो जाएगा। एक दो दिन की बात और है, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छा आपको यहाँ से है ना यूट्यूब की लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल हम लोग फिर 6:10 पे क्लास में जुड़ जाएंगे और 6:10 से 7:10 हमारी क्लास निर्धारित रहती है, तो आप सारे लोग ज्वाइन हो जाइए, देर मत करिए। जो भी दिक्कत होती है डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। पूरी क्लास लेनी है तो एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएगी, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एप्लीकेशंस पर आके पूरी क्लास भी ले सकते हैं और किताब डिस्कशन वगैरह वहाँ है, लिब्र का अलग से है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ डाउट होता आप हमारे नंबर से बात करिए। आज के लिए बस इतना ही है, ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि बच्चों।